का ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। हम इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल चुनावी कसरत कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए दावे कर रही है। जबकि इतिहास उठा के देखा जाए तो लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी से, उसके पहले अन्य दल से दुर्गा प्रसाद यादव लगातार 8 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कमल कैसे खिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सदर में कैसे कमल खिलाएगी। आइए हम बात करते हैं कि दुर्गा प्रसाद यादव को यहाँ की जनता, खास तौर पे आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों चुनती है। यहाँ ये वही सदर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ना तो कभी हाथी चली और ना ही खिला कमल, लेकिन साइकिल लगातार चल रही है। साइकिल को हटाने के लिए, भाजपा को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की मीटिंग, रणनीति तैयार कर रही है। वो कितना सफल होगी ये तो चुनाव तय करेगा। फिलहाल आइए हम बतराम यादव जी से बात करते हैं कि आजमगढ़ के राजनीति में क्या जानते हैं, क्या इस बार परिवर्तन होने की संभावना है या फिर साइकिल ही चलेगी। जी, मैं बतराम यादव। आजमगढ़ में तो कमल के खिलने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। जी इधर आ जाए। जी जी। और यहाँ 67 से लेके 67, 69, 74 तक सोशलिस्ट समाजवादी जीतते रहे हैं। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो यहाँ 77 में एक बार कांग्रेस जीत गई। 77 में भीमा यादव जीते कांग्रेस से। उसके बाद 80 में फिर कांग्रेस से राम कुंवर सिंह आ गए और उसके बाद फिर इधर 84 में जब चुनाव हुआ तो दुर्गा यादव आए। 84 के बाद फिर 89 में चुनाव हुआ, उसमें भी ये जीत गए, जनता दल में रहे उस समय। फिर सपा बसपा गठबंधन हुआ, उसमें एक बार राजबली यादव से चुनाव हार गए और उसके बाद तब से लगातार जब भी चुनाव हुआ है, 93 में, 97 में, 2 में, 7 में, 12 में, सब में लगातार ये चले आ रहे हैं। कमल के यहाँ खिलने के कोई चांसेज नहीं है। अच्छा, 2017 में मोदी लहर थी और मोदी लहर में दुर्गा प्रसाद यादव का चुनाव जीतना और भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ कौन उम्मीदवार था जो चुनाव हार गया? यहाँ अखिलेश मिश्रा गुड्डू करके हैं, एक नए आदमी थे और संभवतः देखिए फिर वही आने वाले हैं। यहाँ उनका कुछ बनने वाला नहीं। 2022 में भी समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी? एकदम जीतेगी। कहीं से पूरे ज़िले में कोई चांस नहीं है किसी और के जीतने के। एक सीट केवल वो फूलपुर जीत पाए थे, किसी तरह से वो भी रमाकांत का प्रभाव था। तो ऐसा यहाँ तो रमाकांत यादव सपा के साथ हैं। हाँ, तो अब देखिए टिकट किसको मिलता है ये तो तय हो। टिकट से जिले की 10 विधानसभा की बात करें नेताजी, 10 विधानसभा आपके क्षेत्र में है, 10 विधानसभा क्षेत्र में कहाँ कमल खिलेगा? हमको तो नहीं लगता कहीं खिलेगा। तो क्या चलेगी, साइकिल और हाथी? साइकिल ही ज़्यादा चलेगी, हाथी कहीं कहीं चल सकती है, हो सकता है एक आध जगह वो भी आ जाए, चूँकि कसरत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय, यूनिवर्सिटी का वो किए हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, तमाम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने राशन बांट रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं, सब तरह तरह का दे रहे हैं प्रलोभन, लेकिन बात यहाँ नहीं, आजमगढ़ में तो नहीं बनने वाली, बाकी जगह मैं नहीं जानता। अच्छा, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, फिर उनके बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव सांसद रहे, जो कि 2019 का जब चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव चुनाव मैदान में थे, भारतीय जनता पार्टी ने लोकगीत गायक दिनेश लाल यादव को यहाँ मैदान में उतारा था, तो ऐसा लग रहा था कि मोदी लहर में भाजपा निकल सकती है, और लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने फिर मुलायम सिंह को जगह अखिलेश यादव को यहाँ का सांसद बनाया, तो उस समय का क्या दृश्य रही? यहाँ समाजवादियों का गढ़ रहा है और अखिलेश यादव और दिनेश लाल निरहुआ में अगर चुनना है यहाँ की जनता को, तो उसने बेशक आंख बंद करके अखिलेश को वोटिंग कर दी। हाँ, मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ जितना भी विकास के काम दिखाई दे रहे हैं, चाहे बड़ी बिल्डिंग है कलेक्ट्री की, चाहे कमिश्नरी हो, चाहे PGI हो, चाहे जेल हो, चाहे वो कोटवा वाला कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे 100 सैया का तरवलिया में
हॉस्पिटल हो, चाहे वहाँ लेदौरा में डेयरी फैक्ट्री हो, जो भी काम आपको। क्या रहा एयरपोर्ट? एयरपोर्ट भी इन्हीं लोगों के पीरियड का है। आजमगढ़ में जब मंडल की बात आई, आजमगढ़ मंडल थी, क्या पहले बताया कि मंडल मऊ में जाएगा, लेकिन आजमगढ़ मंडल बनाने में किसकी भूमिका रही? मुलायम सिंह ना होते तो यह कतई नहीं बन पाता, और कल्पनाथ राय बजित थे ले जाने के लिए वहाँ, लेकिन मुलायम सिंह ने जनसभा में जजी के मैदान में, हम लोग उस मीटिंग में थे, और वह न होते, वह अंतिम समय में जब जनता से पूछे कि आपकी सारी मांगे और कोई मांग तो छूट नहीं रही है, तो लोगों ने कहा कि अरे कमिश्नरी का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं कमिश्नरी करता हूँ, और ये कमिश्नर साहब हैं और ये DIG साहब हैं, दोनों साथ लेके आए। जजी मैदान की रैली की बात, ये रैली में मुलायम सन में थी रैली, याद है कुछ? ये हमारे सौंस से रैली 1996 में थी क्या? 96 में नहीं, 96 कब था याद तो नहीं आ रहा है, सन 99 वगैरह में, 99 पहले थी। अच्छा, आप खास तस्वीर में क्या लगा, आजमगढ़ की तस्वीर बदली तो किस सरकार में बदली? बिल्कुल सपा की सरकार में बदली है, जनता पार्टी थी, रामनरेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे और मसूद खां PWD मिनिस्टर थे, तब से यहाँ की तस्वीर बदलने लगी, और ये जो बाईपास बना है बैठौली से लेकर के करतालपुर वाला, उन्हीं लोगों की देन है, 18 पुल बनवाए इन लोगों ने पूरे ज़िले में, और तब से तस्वीर बदलनी शुरू हुई, आज नक्शा ही कुछ और हो गया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितनी सड़कें बनी हैं बढ़िया, इतना पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बनी होंगी जितना इन्होंने बनवा दिया है। एक सवाल और है पथुराम जी, सवाल ये है कि अखिलेश यादव यहाँ के सांसद हैं, जनता से बात किया जाए तो अखिलेश यादव कम दिखाई देते, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आने की जो सपना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे फिर वही लहर लाएंगे, तो ऐसे में आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में समय नहीं देना है, तो इसके पीछे मतदाताओं की खास तब लोगों क्या बात? ऐसा यहाँ कुछ नहीं, वो जानते हैं कि हमारा वहाँ गढ़ है, हमारे लोग ज़्यादा हैं, हम समय दें ना दें, हमारा बैंक बना है उसमें, कहीं उनको आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सवाल और है, दुर्गा यादव की बात करें, दुर्गा यादव आजमगढ़ सदर की बात करें, जो लगातार यहाँ विधायक होते रहे, तो दुर्गा यादव के नाम पर वोट मिलता है या अखिलेश के नाम पर? अखिलेश के नाम पर मिलता है, इनके नाम पर वोट क्यों मिलेगा, पार्टी के नाम पर मिलता है, तो मुलायम के नाम पर मिलता है। और यदि दुर्गा यादव के बात अगर कोई प्रत्याशी सपा उतारती है तो क्या वो चुनाव सपा जीतेगी या? अरे एकदम जीतेगी, दुर्गा यादव लड़े या कोई लड़े, लेकिन जीतेगी सपा, जीतेगी सपा। तो विकास के आईने में आजमगढ़ बहुत ही बेहतर नज़र आ रहा है, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक फोकस है कि विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ क्या रंग लाएगा। ये अखिलेश का संसदीय क्षेत्र है, कभी उनके पिता मुलायम सिंह यादव 2014 में यहाँ सांसद थे, 2019 में अखिलेश यादव यहाँ के सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी में दावेदारों की एक लाइन लगी, एक फौज खड़ी है, कौन यहाँ से प्रत्याशी होगा ये तो भविष्य के गर्म है। फिलहाल दुर्गा यादव यहाँ के विधायक हैं, और दुर्गा यादव के पीछे समाजवादियों की एक कदावर, एक भीड़ लगी हुई है कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल कौन चलाएगा आजमगढ़ सदर में, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही, मैं रोशन जायसवाल, इस समय आजमगढ़ में हूँ, देखते रहिए UP आजकल। नमस्कार।